तो वही है मेरी पबजी मोबाइल मैच 39 की हाइलाइट्स, देखते ही आ रहे गातियाँ। यहाँ पर मुझे कोई कार वार नहीं दिख रही, तो वरना मैं ना यहाँ से कार में ही जाता और चैक में बैठ जाता। तो अब मुझे स्नेक बन के जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी जोन मूव करने में अभी 2 मिनट से ज़्यादा टाइम है, तो इसलिए मैं अभी स्नेक बन के जा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। जब मूव करने से पहले मतलब जब 30-40 सेकेंड रह जाएंगे तब मैं उठूँगा। तो यहाँ पे मैं पूरा टाइम यहाँ से स्नेक ही गया था मैं। तो यहाँ पे मुझे स्पॉट हुआ था यहाँ पे शायद बंदा, देखता। नहीं यहाँ पे ये वो वाला गेम नहीं है, यहाँ पे मेरे कोई स्पॉट नहीं हुआ था, यहाँ से बस मुझे जोन जाना था। यहाँ पे सड़क पे कोई जीबी भी नहीं खड़ी थी, तो देखते हैं कैसे जाता हूँ मैं। शायद ब्रिज पार भी करना है मुझे, यहाँ कोने कोने से मैं जाऊँगा। वहाँ पानी में एक बंदा भी है, तो मैंने ना उसका थोड़ा वेट करा ताकि ये थोड़ा आगे जाए वो, तब मैं उसको मारूँ। शुरू से मैंने पीछे से नहीं मारा, थोड़ा सा पर डग सा गया था, एम खराब हो गया था। मतलब उसको ना वो अंडर वाटर भी गोलियां पड़ रही थी, तो ये तुम्हें ध्यान देना है जहाँ पे वो मूव कर रहा है, तो राइट साइड में तुम शूट करो। देखो देखो पड़ रही है एक दो। अब उसने ड्रॉप का कवर ले लिया होगा, तो इसलिए मैं सोचा मूव करूँ मैं। यहाँ पे बोट भी चल रही थी तो मैं रिस्क नहीं लिया। बोट वाला पता चला है बोट के अंदर गेट इन, मतलब उसने गेट इन करा, सीट चेंज करी और मुझे मार दिया पानी में, तो इसलिए मैंने उसका रिस्क नहीं लिया उसको मारने का। तो ये टॉप 10 में भी नहीं आया था मैं। चलो बोट उधर जा रही थी तो उन दोनों की तो फाइट हो जाएगी। यहाँ पे मैं सेफली मैं पहुंच गया बस कैसे भी। ये जोन से मरे हैं 2 बंदे, तो मुझे लग रहा है वो पीछे जोन से ही मरे थे। वो 3 बंदे मरे हुए जोन से, इजी टॉप 10 में मैं आ गया ऐसे। पता नहीं क्या ही। नहीं यहाँ पे एक बंदा आ चुका है यहाँ पे, पता नहीं, देखते यहाँ पे स्नेक बन गया ही तो ये मेरी इजी किल हो जाएगी। यहाँ पे एक ही शॉट में गया है। तो यहाँ पे मैं स्नेक बन के जा रहा हूँ, पता चले कोई और भी शोर से आया राइट साइड से, तुमने मानना जाए। जोन भी पास में है तो 1 मिनट में तो मैं स्नेक बन के जोन में पहुंच ही जाऊंगा। यहाँ पे मुझे देखा, अगर मैं उठता ना तो ये बंदा मुझे स्पॉट कर लेता, तो इसलिए मैं शुरू से स्नेक बन के गया था ना, तो इसलिए इसने मुझे स्पॉट भी नहीं करा। तो जो मेरा अंदाजा था ना कि मतलब राइट साइड से कोई आ सकता है पानी से,
तो इसलिए वो सही रहा। ये बंदा पानी से आया था और ये भी स्नेक बन के जा रहा था वो, तो लकीली मैंने उसको स्पॉट कर लिया। यहाँ पे 5-6 की एमओ थोड़ी कम थी तो मैंने M7 ले ली। यहाँ पे थोड़ा जीप को डरा रहा था मैं, बोला चला जाए यहाँ से क्योंकि यहीं पे मंडरा था वरना है तो यहाँ पे आएगा ही नहीं होगा। टॉप 10 में भी मैं आ गया था तो मैं उसको रिस्क दिया मानने का। पोजीशन तो मैं रिवील कर ही चुका पर चलो छोड़ो। तो यहाँ से देखते हैं मैं कहाँ जाऊँगा। पूरा टाइम मैं यहाँ से स्नेक ही गया। यहाँ से भी यहाँ पे वही जीप आ गई थी तो यहाँ पे ये इसकी इजी किल मिल जाती है मुझे। गाड़ी की ना मतलब जीप की ड्राइविंग सीट पे तुम शूट करो या जीप पे शूट मत करो। यहाँ पे देखते हैं एक और किल मिलती है या नहीं। यहाँ पे मुझे मिल जाती है बस ये जीप अड़ गई मेरी। मिलते मिलते रह गई। और अगर ये मेरे पे M4 होती तो मैं उसको पहले भी मार सकता था पर चलो कोई नहीं देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे उन्हें स्नेक स्पॉट हुआ था यहाँ पे पर मैं सोचा पहले मैं इसको मारूं। यहाँ पे मुझे पता था इसकी हेल्थ कम थी तो मुझे इस पे रश करना ही था क्योंकि गाड़ी में इसने बहुत शॉट्स खा लिए थे मेरे से तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझ में आया था मारने का इसको। वहाँ पे उस जगह एक स्नेक था तो एक बंदे की मुझे लोकेशन पता थी दूसरे की नहीं पता थी। देखते हैं चलो। पर वो जो स्नेक है ना वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि मैंने उसको देखा या नहीं देखा। तो यहाँ पे ये स्नेक बन के इसने शूट तो कर लिया पर मैंने मार नहीं पाया। अब मैं इसी जगह पे देखो मुझे वो वाला बंदा भी स्पॉट हो गया वहाँ पे तो वो बंदा मुझे इजली मार सकता था पर उसने मारा नहीं। पता नहीं नूब है वो। थोड़ा वो शायद उसको मैं थोड़ा मतलब उसको बोल रहा हूँ कि मतलब शूट करेगी ताकि वो स्नेक बन के और थोड़ा पीछे को चला जाए क्योंकि तो अगर वो आगे को रहेगा तो फिर मुझे मार सकता है स्नेक बन के। तो इस ऐसे मैं फेक फायरिंग थोड़ी दे रहा हूँ पेड़ के आसपास ताकि पीछे हो जाओ। तो यहाँ से अब मैं स्मोक डाल के थोड़ी अपनी पोजीशन चेंज करूँगा और उसको लेफ्ट साइड से मारने की कोशिश करूँगा। उस पर वैसे एडवांटेज है क्योंकि वो मेरे से ऊपर है थोड़ा। उस पर रेज भी है और वो ऊपर भी है। दो तीन वहाँ पे पेड़ भी है मेरे आगे कोई पेड़ वेड़ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस बुश का बस सहारा ले लिया ताकि मेरा सर्वर ना दिखे इजीली मैं स्पॉट ना हो क्योंकि अगर मैं ऐसे ओपन में स्नेक रहता तो मुझे स्पॉट कर सकता था। तो अगर तुम्हारे आगे कोई बुश वुश है तो तुम उसका कवर ले लो। यहाँ पे मैंने कार एंजेट गिरा दी क्योंकि मेरी गोल्ड कलर की थी तो पता चले वो दूर से ही देख ले। ऑटो पिक अभी मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि वरना वो अपने आप उठाता रहता अपने आप। बार बार मुझे फिर गिरानी पड़ती। अभी लास्ट जोन उस पर बना है तो मुझे थोड़ा रश वश करना था शायद। देखते हैं अभी तक तो उसने कोई पीक वीक नहीं ली तो थोड़ा वो नूब बंदा ही था। थोड़ा मैंने अपना चांस भी लिया फिर यहाँ पे। यहाँ पे मैं स्पॉट हो गया तो यहाँ पे दो मुझे लकीली हेड शॉट मिल गया मुझे यहाँ पे। मुझ पर उसने शूट भी नहीं करी मतलब उसने अपना सर तो दिखा दिया। उसको पता है कि एक शॉट मुझे लग चुका है थोड़ा पीछे हो जाऊँ पर पीछे हुआ नहीं वो। तो यहाँ पे लकीली मुझे चिकन मिल गया +29। -39 मैच। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मैच में।